हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सिल्पीज किचन में। आज मैं बच्चों के टिफिन के लिए कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ कि सर्दियों में कम टाइम में कैसे ये रेसिपी बन सकती है। वीडियो क्या है लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ बड़े से बाउल में हम ले रहे हैं 1 कप सूजी। सूजी मोटी पतली कैसी भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 कप ही गरम पानी। 1 कप सूजी में मैंने यहाँ 1 ही कप गरम पानी डाला है, जिससे सूजी जल्दी से हमारी फूल जाए। देखिए 1 कप पानी जैसे ही इसमें डलता है तो ये ऑब्जर्व करने लगती है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। 1 से 2 मिनट रखने के बाद देखिए सूजी हमारी पूरी तरह से फूल चुकी है। बस हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब यहाँ हमने ले लिया है 1 उबला हुआ आलू, इसमें हम ग्रेट कर देते हैं। आप इसमें 1-2 आलू डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया डिश बनकर तैयार होती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। देखिए आलू और सूजी मिलाने के बाद भी ये इस तरह का रहेगा। बस हमें ऐसा ही चाहिए, गीला ही रहना चाहिए, एकदम टाइट नहीं। अब हम इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए अब इसमें डाल देते हैं 2 पिंच के करीब हींग पाउडर। इससे इस डिश का कल फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून डाल देते हैं धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून डाल देते हैं घर की कुटी हुई, मैंने यहाँ मोटी वाली मिर्च ली है, आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 टीस्पून डाल देते हैं गरम मसाला, 1/2 टीस्पून डाल देते हैं हल्दी पाउडर, नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। अभी सर्दियों में हरा धनिया खूब आ रहा है तो उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें डाल देते हैं गेहूं का आटा। अभी मैंने इसमें 1/2 कप गेहूं का आटा डाला है। अब जितने आटे की मुझे ज़रूरत होगी और ये अच्छे से बाइंड हो जाए उतना ही हम इसमें आटा डालेंगे। हमें इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। देखिए इसे बाइंड करने में मुझे कम से कम 1 कप आटा लगा। हमें पानी का बिल्कुल भी इसमें प्रयोग नहीं करना है और 1-2 की कंसिस्टेंसी में इसको ले लेना है। देखिए हमें सेम ऐसा ही 2 चाहिए, इसको कवर करके रख देते हैं। जब तक 2 हमारा रेस्ट पर है, हमने गैस पर रख लिया है पैन। पैन में ऑयल डालकर मैंने डाल दिया इसमें 1 पिंच हींग, 1/2 टेबल स्पून जीरा, चॉप की हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च अभी इसलिए डाल रही हूँ इसका तीखापन निकल जाए। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। अब इन सारे मसालों को मिक्स करने के बाद यहाँ डाल दूंगी चॉप किए हुए आलू, साथ ही मैं डाल दूंगी 1 कप पानी, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अच्छे से उबाल आ जाए तो डाल देंगे लास्ट में गरम मसाला। लीजिए बनकर तैयार है आलू की सब्जी। डो भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी एक लोई बना लेते हैं। हाथों को हल्के हाथ से चिकना कर लीजिए और जितना बड़ा आपको बनाना है उतनी बड़ी आप लोई बना लीजिए। बस इसमें 1 भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको इस शीट पर बेल लेती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम परफेक्ट आटा लगा हुआ है। देखिए पूरी मैंने बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखी है, हल्की सी मोटी रखी है। अब कोई भी ग्लास कटोरी लीजिए और इस तरह से इसके गोल गोल सर्कल कट कर लीजिए। देखिए बड़े आराम से ये कट हो जाएंगी। बाकी केक को इस तरह से निकाल दीजिए और इसको वापस हम आटे में लगा देते हैं। इस तरह से सारी पूड़ी बनाकर रख लेते हैं। अब गैस की तरफ चल
गैस में ऑयल हो चुका है गरम। अब हम इनको इस तरह से इसमें डालते जाएंगे। ऑयल अच्छे से गरम होना चाहिए। मैंने यहाँ सरसों के तेल का प्रयोग किया है, आप चाहे रिफाइंड ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑयल में डालते ही ये गुब्बारे की तरह इस तरह से फूलने लगेंगे। जब ब्राउन होने लगे तब इनको पलट दीजिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी मस्त बनकर तैयार हुई हैं। जैसे जैसे सिकती जाएंगी निकालते जाइए और बाकी की डालते जाइए। देखिए, मुश्किल से ये आपकी पूरी पिचकेगी, नहीं तो सारी पूड़ियाँ आपकी अच्छे से गेंद की तरह ही फूलेंगी। इसी तरह बाकी की भी हम डाल लेते हैं। लीजिए, बनकर तैयार है क्रिस्पी कचाड़ी करारी मिनी पूड़ी। और उसके साथ खाने के लिए आ गई है आलू की सब्जी। आपको मैं इसकी क्रिस्पीनेस भी आपको सुनाई देती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया गोल गोल एकदम क्रिस्पी बनी है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी है, आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए खाने में एकदम मस्त और बहुत ही जल्दी कम समय में बनकर तैयार। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं मिल नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।